तो हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप का यूज़ करके किसी भी फोटो को कंप्रेस कर सकते हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, व्हाट्सएप से भी आप फोटोज़ को कंप्रेस कर सकते हो, वो भी बिना फोटो की क्वालिटी लूज़ किए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई। अभी मैंने इस फोटो को डायरेक्टली एक कंप्रेसर ऐप से छोटे साइज में कंप्रेस कर दिया था, आप इसका हाल देख ही सकते हो। ये तो टट्टी है। हाँ, बात तो सही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अभी हम व्हाट्सएप का यूज़ करके फोटो को कंप्रेस करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गैलरी को ओपन कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले तो चलो मैं आपको इस फोटो का साइज़ दिखा देता हूँ एक बार डिटेल्स में जाके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फोटो का साइज अभी 4.32 MB है। तो अभी हम इसी फोटो को कंप्रेस करेंगे। तो फोटो को कंप्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहां से सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे क्लिक कर दीजिए और फिर आपको ये फोटो ऐसे ही अपने किसी भी लंगोटिए यार के पास भेज देनी है। मेरा मतलब है कि किसी के भी पास भेज दो। तो अभी मैं इस फोटो को रैंडमली किसी के भी पास भेज देता हूँ और उसके बाद जैसे ही फोटो सेंड हो जाएगी आपको फोटो पे एक बार क्लिक करना है और फिर यहाँ से इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से ये कंप्रेस्ड फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं आपको दोबारा से एक बार गैलरी में जाके ये फोटो दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे अभी हमारी एक नई फोटो सेव हो चुकी है और इसका साइज अगर मैं आपको दिखाता हूँ जो कि 4.5 MB से घटके 119 KB हो गया है, बट इसकी क्वालिटी पे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसे ही आप भी फ्रेंड्स व्हाट्सएप का यूज करके किसी भी फोटो को कंप्रेस कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।